आज मैं आपको ऐसा इंस्टेंट प्रीमिक्स पाउडर बना के देने वाली हूँ जिसे आप जब चाहे ऐसे रबड़ी बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी रबड़ी बना के तैयार होगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशाज कुकिंग। इंस्टेंट प्रीमिक्स रबड़ी पाउडर बना के लिए मैंने यहाँ पर गैस रख दी है। इसमें हमें घी से ऐसे ग्रीस करेंगे, घी के जगह ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हो। अब हम इसमें 5 टेबलस्पून जितनी शुगर डालेंगे और अच्छे से मेल्ट करने के लिए रख देंगे। शुगर को कैरेमलाइज होने में 5 मिनट लगती है, तब तक हम एक डिश लेंगे और उसे भी ऐसे घी से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। शुगर अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है। आप इसके जगह ब्राउन शुगर भी ले सकते हो, उसको पाउडर करके इसका यूज़ कर सकते हो। अभी देखो ये कैरेमलाइज अच्छे से हो गई है, तो हम इसे डिश में निकाल देंगे। शुगर को कैरेमलाइज होने में 3 मिनट का टाइम लगा है। इतने में अच्छे से शुगर कैरेमलाइज होकर तैयार हो गई है। अब हम इसे ग्रीस की हुई डिश में निकाल देंगे और 4 से 5 मिनट तक इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो गई है, अब अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो इसे ऐसे टुकड़े में कट कर लेंगे। बिल्कुल एक कांच की तरह बनती है, बहुत ही अच्छी कड़क बन के तैयार होती है। अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। मिक्सर जार में डाल के उसे ऑन ऑफ करके उसका फाइन पाउडर तैयार करना है। रबड़ी में हम कैरेमलाइज शुगर पाउडर डालेंगे तो इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब रबड़ी के लिए यहाँ पर हमें 4 ब्रेड लेनी है। यहाँ पर मैंने रबड़ी बनाने के लिए वाइट सैंडविच ब्रेड लिए। इसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, लेकिन वाइट ब्रेड से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके सारे कॉर्नर को कट कर देना है। इसके बाद हम इसे ऐसे टुकड़ा करके मिक्सर जार में डालेंगे। अब हमें इसमें फाइन पाउडर तैयार करना है। अच्छे से पाउडर बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। ब्रेड में ऐसे मॉइस्चर ना निकल जाए तब तक हमें अच्छे से भूनना है। ब्रेड में से हमें अच्छे से मॉइस्चर निकाल देना है जिससे हमारा रबड़ी का प्रीमिक्स 6 महीने तक खराब ना हो और अच्छे से बन जाए। आप इसी तरह से रबड़ी का प्रीमिक्स बनाओगे और रबड़ी खाने का मन हो तब आप 2 मिनट में बना के रेडी हो जाएगी। इतना अच्छी रबड़ी बन के तैयार होगी। 5 मिनट हो चुकी है, तो देखो अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसे एक डिश में निकाल देंगे। अब हम प्रीमिक्स बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में सौते किया हुआ ब्रेड का पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम कैरेमलाइज शुगर का पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिल्क पाउडर डालेंगे जिससे हमारे रबड़ी का टेस्ट और भी बन जाता है। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना मिल्क पाउडर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह आरालोड भी डाल सकते हो। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारी रबड़ी थिक और क्रीमी बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अब रबड़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाए इसके लिए हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो ही डालना। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई बादाम डाली है, बारीक कटा हुआ काजू और बारीक कटा हुआ पिस्ता डाला है। ये रबड़ी का प्रीमिक्स बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में बंद करके 6 महीने तक फ्रिज में रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे बनाकर एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए फ्रिज में और आपका जब मन चाहे आप बना के खा लीजिए। अब हम रबड़ी बनाना चालू करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसमें 500 ग्राम जितना दूध डालेंगे। आप इसमें कोई भी दूध ले सकते हैं, वैसे भी ये प्रीमिक्स इतना अच्छा बनता है तो कोई भी दूध से रबड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके बाद हम यहाँ पर प्रीमिक्स तैयार किया था वो 1 कप लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ऐसे करने में गुठलियाँ भी नहीं बनती और बहुत अच्छे से मिक्स बन के तैयार हो जाता है। 500 ग्राम दूध में यहाँ पर पूरा 1 कप मिक्स जाता है और बहुत ही टेस्टी रबड़ी बन के तैयार होगी। अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो गया है। अब हम रबड़ी बनाना चालू करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर गैस का एक कढ़ाई रख दी है। अब हमने तैयार किया हुआ बैटर कढ़ाई में डालेंगे।
ये प्री मिक्स से बनी हुई रबड़ी इतनी टेस्टी बनती है कि खाने वाले भी पूछेगी कि आपने कैसे बनाई है, इतनी टेस्टी बनेगी, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। बैटर डाल के हमें कंटिन्यूस ऐसे चलाते रहना है जिसे नीचे से चिपके नहीं और टेस्टी बने रबड़ी। कंटिन्यू चलाते रहना है और ऐसे कढ़ाई में बाजू में चिपके उसे भी मलाई को भी हमें निकाल के रबड़ी के साथ मिक्स करना है, जिससे हमारी रबड़ी और भी टेस्टी बनती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाँच छः मिनट तक कंटिन्यू चलाते नहीं, देखो रबड़ी ठीक होने लगी है और कलर भी उसका चेंज हो गया है। अब रबड़ी तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सी रबड़ी बनके तैयार है। देखो ये प्रीमिक्स को आप अभी से बना के रख देना और होली पे अपने मेहमानों को खिलाना, बहुत ही तारीफ करेंगे और आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।